Queen of Wands, Eight of Cups, Moon. Okay. In bottom में आया है Ace of Cups, then Hierophant. Okay. कि आप काफी टाइम से अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं, या आपकी लाइफ में कुछ तो भी आपके इमोशंस ने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में किस वे में आगे बढ़ना है या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अभी तक. बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने सारी नेगेटिव सिचुएशन से, सारे नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सारी चीजों को एनालिसिस करके आपने सोचा है कि सारी नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ो और मुझे भी अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में एज अ क्वीन ही बनना है, एज अ किंग, एज अ क्वीन ही बनना है, अपनी लाइफ की कमांड खुद लेनी है. क्यों कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, या दूसरों के सजेशंस आप क्यों फॉलो करें? आपकी भी तो कोई सेल्फ एनालिसिस होता है, सेल्फ आपके डिसीजंस होते हैं. तो ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है. तो और इस वीक में आप फाइनली आगे ही बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आप डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, आपका देखिए ये जो कप्स हैं, एट कप पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे नेगेटिव लोगों के, नेगेटिव सिचुएशंस के कप है. और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको न्यू बिगनिंग का कप मिलेगा. और ये जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप इन्हीं चीजों में, नेगेटिव चीजों में फंसे रहेंगे. तो बताइए ये कब तक कैसे पहुंचेंगे? इस तक पहुंचने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, इनको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजों का, और यहां भी. तो इस वजह से आपने दोनों कार्ड में ये डिसाइड किया कि अब आपको आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग चाहिए. और इस वीक में आप न्यू बिगनिंग कुछ तो भी देखेंगे. और ये लव रीडिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर ने अगर आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, या आपको किसी सिचुएशन में स्टक करके चले गए हैं, तो आपने उनसे भी मूव ऑन करने का सोचा है. बहुत हुआ वेट, बहुत हुआ पेशेंस, अब आपने बोला कि अब बस मुझे अपनी लाइफ में ही, मुझे खुद पे फोकस करना है एक्चुअली. तो आपने आगे बढ़ दिए आप. ओके, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग, सक्सेस, क्वीन, मतलब आप क्वीन और किंग की पोजिशन में आ जाओगे. तो काफी अच्छी एनर्जी निकली है आपके साइड से. अब मैं आपके पार्टनर के साइड से देखना चाहूंगी कि वो किस मोड में चल रहे हैं फिलहाल. वो वेटिंग पीरियड में ही है, वो जहां स्टक थे वो वहीं स्टक है. अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट आपने एक्शन लेके आगे बढ़ चुके हैं. वो अभी नेगेटिव चीजों में ही फंसे हुए हैं, इन बाउंड्रीज को वो छोड़ना ही नहीं चाहते, इससे वो आगे निकलना ही नहीं चाहते. देखिए यहाँ भी वो एक वॉन लेके खड़े हैं, और यहाँ भी वो एक ही वॉन लेके खड़े हैं, मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहते. या तो ये वॉन आपका है कि आप माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि ये वॉन आपका है तो आपको ही ऑफर करना है. यहाँ भी आपका वॉन पकड़े, यहाँ भी आपका वॉन. देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ. यहाँ आया है क्वीन ऑफ वॉन्स, मतलब ये जो क्वीन का वॉन है, मीन्स ये आपका वॉन है, ये इनके पास है, मतलब ये उसी को याद कर रहे हैं. यहाँ भी एक वॉन है, यहाँ भी एक वॉन है. तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? उनका फोकस सिर्फ आप पे है, जो आपके पास वॉन है, उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं. ओके, नहीं तो चाहते तो वो आपकी सिचुएशन में स्टक थे और वो सिचुएशन छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, या उनके पास कोई ऑप्शन होते तो वहां बढ़ जाते, बट वो नहीं बढ़े. वो भी अभी पेशेंस मोड में ही है, आपका ही वेट कर रहे हैं. ओके, टावर, अब समझिए मैं क्यों आपका वेट कर रहे हैं. उनकी लाइफ में कुछ तो भी नेगेटिव सिचुएशन आई है, कुछ लोगों ने उनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखा है, इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि कप ऑफर करना है तो आपको करना है, वॉन्स ऑफर करना है तो आपको करना है, पेंटिकल ऑफर करना है तो आपको करना है, चाहे कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना आ जाए. देखिए और बॉटम में क्या आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस के दो कार्ड आ गए, न्यू बिगनिंग वो आपके साथ ही करना चाहते हैं. और देखिए जैसे ही उनकी लाइफ में कोई टाव मोमेंट आया, कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, उनके इमोशंस एकदम से हाई हो गए. टार के ऊपर आया है मून कार्ड, मींस जैसे ही टाव मोमेंट उनकी लाइफ में आया, उनके इमोशंस हाई हो गए. जैसे ही उनके इमोशंस हाई हुए, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई मेरा जो बंदा है, या मुझे जिसके साथ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, वो आप हैं. यहाँ भी वो एक एक चीज ही पकड़ के बैठे हैं. कोई भी ऐसा यहाँ कार्ड नहीं आया जैसे कि सेवन ऑफ कप्स आया हो, कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इस टाइप का कोई भी कार्ड नहीं आया. सिंगल सिंगल चीजों के कार्ड निकल के आए हैं. अब आगे देखते हैं एक्शन क्या लेंगे वो इस वीक में. सेवन ऑफ कप्स, लवर्स, बहुत अच्छा कार्ड निकला है. देखिए मैं आपको बता रही थी कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है. अगर उनके पास ऑप्शंस है भी इन केस कोई सिचुएशन में, तो वो स्टक है आप पे.
वो आप पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, अगर एफर्ट्स उन्होंने आप पे लगाए तो आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आपके पास वापस से कैसे जाया जाए। लवर्स कार्ड के साथ और सेवन ऑफ कप्स के साथ, दोनों कार्ड के साथ उनके पास ऑप्शंस रियली में हैं, बट वो उन ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ आप पे है। आपके साथ वो रियूनियन चाहते हैं क्योंकि यूनिवर्स का इंटरवेंशन है आप दोनों के बीच में, तो मे बी उन्हें इस टाइप का कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि उनको सिर्फ आपके पास ही आना है। ओके, अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में, आपको क्या फॉलो करना है। आपको वेट करना है, सबसे मेन गाइडेंस यही है, खुद पे फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए और वेट करिए। ओके, आप ऑफर आने में टाइम जरूर लग रहा है, आपके पास ऑफर्स है, मे बी आपके पास भी बहुत ऑप्शंस है, बट आप उन ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पे तीन तीन कप पड़े हुए हैं, बट आपको तो अपने पार्टनर के साइड से ही ऑफर चाहिए, है ना। तो वही आपके साथ हो रहा है कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं, बट आई डोंट थिंक आप उन ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं, आपको अपने पार्टनर का चाहिए ऑप्शन। तो अगर आपके पार्टनर का ही ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ओवरथिंक मत करिए। देखिए जितना आप नेगेटिव सिचुएशन में जाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, उतनी ही नेगेटिविटी अपने पे भारी पड़ती है, तो आपको नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लेके आने हैं। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, जस्टिस आपके पास आएगा ही आएगा इस वीक में। ओके, तो आपके लिए सिर्फ सिंपल सा गाइडेंस है, सेल्फ लव करिए, खुद पे ध्यान दीजिए और पेशेंस रखिए, भी अच्छी निकल के आई है। और आपके पार्टनर के साइड से एक्शन भी निकल के आ सकता है इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड के साथ मैं बोल सकती हूँ कि एक्शन आ सकता है। और जस्टिस और लवर कार्ड, ये दोनों कार्ड ऐसा है कि डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास ही मे बी कम्युनिकेशन आ सकता है, या आपको वो जस्टिस देने का सोच सकते हैं। अभी तक जो कोल्ड शोल्डर वो दे के गए ना आपको, उस चीज से रिलेटेड वो आपसे बात कर सकते हैं।